हेलो दोस्तों, फैक्ट फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में लोगों को कॉमेडी मूवीज देखना काफी ज्यादा पसंद है, पर एक्टिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम कॉमेडी करना ही होता है। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में भारत के 10 सबसे बड़े कॉमेडियन के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10वें नंबर पे जगह बनाया है संजय मिश्रा ने। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1963 को हुआ था। इन्होंने अभी तक कुल 155 मूवीज में एक्टिंग की है। संजय मिश्रा ने अपना करियर टेलीविजन से शुरू किया था। जब इन्हें फिल्में मिलना शुरू हुई तो इन्होंने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था। इन्होंने दिल वाले, गोलमाल, भूल भुलैया, सत्या और वेलकम जैसी कई अन्य हिट फिल्में की है। 9वें नंबर पे जगह बनाया है राजपाल यादव ने। इनका जन्म 16 मार्च 1971 को हुआ था। इन्होंने अभी तक कुल 127 मूवीज की हैं। राजपाल यादव ने अपनी कॉमेडी के दम पर कई फिल्में अकेले ही हिट करा दी, जैसे चुप चुप के मूवी। इस मूवी में इन्होंने जबरदस्त कॉमेडी की थी और काफी ज्यादा सराहना भी बटोरी थी। राजपाल यादव ने अपने करियर में हंगामा, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, भागम भाग और ढोल जैसी कई अन्य हिट फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग की है। 8वें नंबर पे जगह बनाया है शक्ति कपूर ने। इनका जन्म 3 सितंबर 1952 को हुआ था। इन्होंने अभी तक कुल 703 मूवीज में काम किया है। शक्ति कपूर ने अपने करियर में सिर्फ कॉमेडी फिल्में ही नहीं बल्कि इन्होंने कई फिल्म में विलन का किरदार भी निभाया है और इन्होंने दोनों ही रोल में जबरदस्त अभिनय किया है। इन्होंने राजा बाबू, भागम भाग, अंदाज अपना अपना, नो प्रॉब्लम और हंगामा जैसे कई अन्य फिल्मों में कॉमेडी की है और इन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। 7वें नंबर पे जगह बनाया है MS नारायणा ने। इनका जन्म 16 अप्रैल 1951 को हुआ था। इन्होंने अभी तक कुल 750 मूवीज की है। नारायण जी की डेट 23 जनवरी 2015 को हो गई थी, पर इनकी मूवीज में की गई कॉमेडी को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। MS नारायणा ने कृष्णा, पटास, रेडी, बालू, एक और निराशक और मैं हूँ लकी द रेसर जैसी कई अन्य फिल्मों में बहुत ही ज्यादा शानदार कॉमेडी की है। 6वें नंबर पे जगह बनाया है कपिल शर्मा ने। इनका जन्म 2 अप्रैल 1981 को हुआ था। इन्होंने अभी तक कुल 2 मूवीज की हैं। कपिल शर्मा भारत के जाने माने कॉमेडियन के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की हैं, पर टेलीविजन पे इन्होंने काफी सारे शो किए हैं। कपिल की पहली मूवी बहुत ही ज्यादा हिट थी, पर दूसरी मूवी इनकी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। पर इनकी कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो बहुत ही ज्यादा हिट है और अभी भी ये शो काफी ज्यादा देखा जाता है। 5वें नंबर पे जगह बनाया है विजय राज ने। इनका जन्म 5 जून 1963 को हुआ था। इन्होंने अभी तक कुल 90 मूवीज में काम किया है। विजय राज को सभी ने कभी न कभी तो जरूर देखा होगा। रन मूवी में इनकी कॉमेडी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और ये इसी मूवी से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। विजय राज ने ड्रीम गर्ल, रन, सात उचक्के, जनहित में जारी और बाला जैसी कई अन्य फिल्मों में एक्टिंग की है। 4वें नंबर पे जगह बनाया है कादर खान ने। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1937 को हुआ था। इन्होंने कुल 305 मूवीज की हैं। कादर खान ने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि सीरियस रोल भी काफी ज्यादा किए हैं और सभी रोल में इन्होंने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 2018 को हुई थी। कादर खान ने दूल्हे राजा, राजा बाबू, हम है कमाल की, आंखें और जोरू का गुलाम जैसे कई सारे अन्य फिल्मों में जबरदस्त अभिनय किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। 30वें नंबर पे जगह बनाया है परेश रावल ने। इनका जन्म 30 मई 1955 को हुआ था। इन्होंने अभी तक कुल 243 मूवीज में काम किया है। परेश रावल ने अपने करियर में बहुत ही अलग अलग तरह के रोल किए हैं, पर इन्होंने सभी रोल में दर्शकों को बहुत ज्यादा इंटरटेन किया है। परेश रावल ने वेलकम, दे दनादन, रेडी, भागम भाग और हेरा फेरी जैसे कई अन्य फिल्मों में बहुत ही ज्यादा शानदार कॉमेडी की है। 2वें नंबर पे जगह बनाया है जॉनी लीगर ने। इनका जन्म 14 अगस्त 1957 को हुआ था। इन्होंने अभी तक कुल 356 मूवीज में अभिनय किया है। जॉनी लीगर ने कॉमेडी को अलग लेवल तक पहुंचा दिया था। एक टाइम ऐसा था जब भी कोई बॉलीवुड मूवी बनती थी तब उस फिल्म में जॉनी लीगर का कोई न कोई किरदार जरूर होता था। जॉनी लीगर ने फिर हेरा फेरी, खट्टा मीठा, ऑल द बेस्ट, दे दनादन और दीवाना मस्ताना और भी कई अन्य मूवीज में शानदार कॉमेडी की है।
दोस्तों अगर आप अपने किसी चाहने वाले अपने फ्रेंड से अपनी फैमिली को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो चोको डिप की चॉकलेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चोको डिप की चॉकलेट आम चॉकलेट की तरह नहीं है, चोको डिप इंडिया की सबसे बेस्ट हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट है और ये चॉकलेट आपको कई अलग अलग वैरायटीज के रूप में मिल जाएंगी। अगर आप chocodip.in के वेबसाइट पे जाके फास्ट पैक डिस्काउंट कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। chocodip.in पूरे इंडिया में चॉकलेट डिलीवर करती है वो भी फ्री शिपिंग के साथ। पहले नंबर पे जगह बनाया ब्रह्मानंदन ने। इनका जन्म 1 फरवरी 1956 को हुआ था। इन्होंने अभी तक कुल 1009 मूवीज में काम किया है। ब्रह्मानंदन ने बहुत सी साउथ मूवीज में अभिनय किया है। एक जीवित अभिनेता के लिए सबसे अधिक स्क्रीन क्रेडिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रह्मानंदन के नाम पे दर्ज है। ब्रह्मानंदन अपनी कॉमेडी के दम पर अकेले ही कई मूवीज हिट करा देते हैं। साउथ में इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। दोस्तों ऐसी एक और मजेदार वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उसे भी अभी क्लिक करके देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों।